Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Today we are going to learn Unit number 2, Part B, Fertile Soil in Natural Resources. From Know Your World of Class 3, इस लेसन में हम देखेंगे कि कुदरती ज़राए कौन से हैं और ज़मीन को ज़रखेज़ कैसे बनाया जा सकता है और उसे डैमेज होने से कैसे रोका जा सकता है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फर्टाइल सोइल, ज़रखेज मिट्टी, इन नेचुरल रिसोर्स, कुदरती ज़रिया। फूड क्रॉप्स, खाने की फसलें, लाइक राइस एंड वीट, चावल और गंदम की तरह, जैसे कि चावल और गंदम, आर द स्टेपल डाइट फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। मतवाजन गज़ा है चावल और गंदम, मतवाजन गज़ा है दुनिया की ज़्यादातर आबादी के लिए। टू ग्रो वेल, फसलों की बेहतर अफजाइश के लिए क्रॉप्स नीड फर्टाइल सोइल एंड इनफ वाटर। फसलों की बेहतर अफजाइश के लिए ज़रखेज़ मिट्टी और मुनासिब मकदार में पानी की ज़रूरत होती है। If we divide the surface area of the earth into four equal parts, अगर हम ज़मीन की सतह को चार बराबर हिस्सों में तकसीम करें, then three of them would be water, तो उनमें से तीन में पानी होगा, and only one part would be land, और एक हिस्सा ज़मीन रहेगी। If we divide land area into two parts, अगर हम ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करें, one half would be inhabited by people, आधे हिस्से में लोग रहते होंगे, of the remaining half, और जो बाकी आधा बच जाता है, only a quarter of the land is fit for cultivation, इसमें से सिर्फ चौथाई हिस्सा फसलें उगाने के लिए बेहतरीन है। द रिमेनिंग थ्री क्वार्टर्स इज आइदर टू रॉकी, टू वेट, टू कोल्ड और टू स्टीप फॉर कल्टीवेशन। जो तीन चौथाई हिस्सा रह जाता है वो या तो चिटानी, या गीला, या ठंडा, या फसलें उगाने के लिए ढलवान दार होता है। We can see, हम देख सकते हैं how small the area available for farming is, कि ज़मीन का कितना थोड़ा सा हिस्सा खेती बाड़ी के लिए मुयस्सर है। If we take good care of fertile soil, it may remain fertile forever. अगर हम ज़रखेज़ मिट्टी की अच्छी तरह देखभाल करेंगे, अगर हम उसकी अच्छी देखभाल करते हैं, तो वो हमेशा के लिए ज़रखेज़ रहेगी। इफ़ वी मिस यूज़ द फर्टाइल सोइल, अगर हम ज़रखेज़ मिट्टी को का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इट मे टर्न इनटू ए डेजर्ट, तो सहरा में तब्दील हो जाएगी। मीट द फार्मर्स, किसानों से मिले। फार्मर रफ़ीक सेज, किसान रफ़ीक जो के कहता है कि आई हैव बीन ग्रोइंग वीट इन माई फील्ड, मैं अपने खेतों में गंदम लगा रहा हूँ फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों से। आई नेवर यूज्ड मैन्योर, मैंने कभी भी
खाद यूज़ नहीं की फॉर माई क्रॉप्स, अपनी फसलों के लिए, बिकॉज क्योंकि आई न्यू, मैं जानता हूँ केमिकल फर्टिलाइजर्स वुड गिव मी अ बेटर यील्ड, मैं जानता हूँ कि कीमियाई खादों का इस्तेमाल मुझे ज़्यादा अच्छी पैदावार दे सकता है। आई हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, मैं इससे मुस्तफीद हुआ हूँ, एंड मेड अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत से पैसे कमाए हैं। बट अलास, लेकिन अफसोस, माई लैंड इन इज़ ऑलमोस्ट बैरन, मेरी ज़मीन तकरीबन बंजर हो चुकी है नाउ अब, एंड डजंट प्रोड्यूस गुड हेल्दी क्रॉप्स एनीमोर, और अब वो ज़्यादा अच्छी सेहतमंद फसलें नहीं पैदा कर सकती। आई वॉन्ट टू सेव इट, मैं इसको बचाना चाहता हूँ, एंड एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। सो आई हैव डिसाइडेड टू मिक्स मैन्योर विद केमिकल फर्टिलाइज़र, तो मैंने फैसला किया है फसलों में खाद शामिल करने का, कीमियाई खाद शामिल करने का फैसला किया है। आई विश, काश आई हैड नोन, मुझे पता होता, डेट आई वॉज रूइनिंग माई लैंड बाई यूजिंग स्ट्रॉन्ग केमिकल्स रादर देन नेचुरल फर्टिलाइजर लाइक मैन्योर। काश कि मुझे पता होता कि मैं कुदरती खाद की बजाय कीमियाई खाद इस्तेमाल करके ज़मीन तबाह कर रहा हूँ। फार्मर साबिर सेज, किसान साबिर कहता है, आई एम ऑल्सो ए फार्मर, मैं भी एक किसान हूँ। एवरी ईयर माई लैंड लॉर्ड क्लियर्स अ पैच ऑफ द नियर बाय फॉरेस्ट विच ही ओन्स एंड ब्रिंग्स इट अंडर कल्टिवेशन, हर साल मेरी ज़मीन का मालिक करीबी जंगल का हिस्सा साफ करके वहाँ खेती बाड़ी शुरू करता है जो कि इसकी मलकियत है। बिफोर ही डिड दिस, ऐसा करने से पहले द ट्रीज यूज्ड टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रेन वाटर, ऐसा करने से पहले जो दरख्त है बारिश के पानी का बहाव आहिस्ता कर देते थे, नाउ अब द रेन वाटर वॉशिस अवे द गुड सॉइल फ्रॉम द फील्ड्स, लेकिन अब बारिश का पानी अच्छी मिट्टी को बहाकर ले जाता है। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट टू ग्रो गुड हेल्दी क्रॉप्स हियर, अब यहाँ अच्छी और सेहतमंद फसलें उगाना मुश्किल हो गया है। माई लैंडलॉर्ड हैज़ नाउ रियलाइज्ड, मेरी ज़मीन के मालिक को अब एहसास हुआ है, डैट वी शुड नॉट कंटिन्यू टू डैमेज द सॉइल इन दिस वे, कि हमें इस तरह मिट्टी को और बर्बाद नहीं करना चाहिए। फार्मर लतीफ सेज, किसान लतीफ कहता है, आई एम आई फार्मर टू, मैं भी एक फार्मर हूँ, मैं भी एक किसान हूँ, एंड आई हैव टिल्ड माई लैंड फॉर 30 years, और मैंने 30 साल तक खेतों में हल चलाया है। आफ्टर माई लैंड हैज़ बिन अंडर कल्टिवेशन फॉर 3 years, 3 साल खेती बाड़ी करने के बाद I leave the land fallow for some time. 3 साल खेती बाड़ी करने के बाद मैंने अपनी ज़मीन को आराम देता हूँ, मतलब कुछ टाइम के लिए छोड़ देता हूँ। This allows the soil to retain some of its nutrients so that it will continue to produce good crops. इसकी वजह से ज़मीन को मौका मिलता है कि वो अपने अंदर के कुदरती मादों को इकट्ठा करके करें, सो डैट इट विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस गुड क्रॉप्स, ताकि अगली बार अच्छी फसल उगाने में मदद कर सकें। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, डैट आई हैव प्रिजर्व्ड माई फर्टाइल लैंड, कि मैंने अपनी जरखेज़ मिट्टी को बचाया हुआ है। टू मी, मेरे लिए इट इज़ वर्थ मोर देन ऑल द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सारे खजानों से बढ़कर है।